हे थ्री एन फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। बैकग्राउंड नॉइस आप सभी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट अगर आपको परेशान भी करे तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा उसे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया ने टीयर 9 की मिस्टीरियस पिल को क्रिएट कर लिया था। उस पिल को पकड़ने के लिए काफ़ी सारे लोग जा रहे थे क्योंकि वो जियान के हाथों से दूर निकल गई थी। तभी जियान अपना एक अटैक करता है जो कि होता है येलो स्प्रिंग पाम, और वो सभी लोग काफ़ी दूर हो जाते हैं जियान के अटैक को देखकर, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान कितना खतरनाक है। हालांकि जियान जैसे ही उस पिल के पास बढ़ता, वो अचानक से ही अपने रूप को चेंज कर लेती है और इसके बाद एक ब्यूटीफुल सी गर्ल में कन्वर्ट हो जाती है जिसने कि कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वो नेक्स्ट गर्ल बिल्कुल जियान को ही देख रही थी, साथ ही साथ कुछ ज़्यादा डरी हुई भी थी। जियान जानता था कि TN9 की जो पिल होती है वो एल्यूजन्स को क्रिएट कर सकती है, इसलिए जियान तारीफ करते हुए कहता है कि आप सच में TN9 की मिस्टीरियस पिल होने के लायक हैं। हालांकि जियान काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उस पिल को देख रहा था और फिर स्माइल करके कहता है कि मेडिसिनल पिल का कोई भी जेंडर नहीं होता है, तुमने अभी अभी अपने रूप को चेंज किया है ना। जियान की बात सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाती और तेज़ी से पीछे हटने लगती है। हालांकि जियान तुरंत ही उसके सामने अपेयर होता है और उसके फोरहेड पे टच करता है, जिसके बाद वो एक स्पिरिचुअल फील को परफॉर्म करता है, जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही उस पिल में चेंज हो जाती है जिसकी साइज एक ड्रैगन के आँख की तरह थी। जियान तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट की बोतल निकालता है और उसे तुरंत ही अपनी जेट की बोतल में रख के स्टोरेज रिंग में रख लेता है। यह देखकर काफ़ी सारे लोग निराश हो गए थे क्योंकि उन्हें उस पिल की लालच तो थी, लेकिन भला जियान से लेने कौन जाए। हालांकि जियान उन सभी को इग्नोर करके हुन होजी की तरफ देखता है जो कि अभी भी नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट कर रहा था। जियान के इशारे पे नॉर्दर्न किंग तुरंत ही पीछे हट जाता है। इसके बाद जियान स्माइल करते हुए कहता है, इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो ओल्ड मैन निसेंग नोंग और एल्डर बानहुओ को भी ग्रीट करता है क्योंकि आखिरकार उन्हीं के कारण तो वो ये पिल रिफाइन कर पाया था। ओल्ड मैन सेंग नोंग तुरंत ही अपने हाथों से इशारा करते हुए जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, यंग फ्रेंड जियान, तो तुम्हारे अचीवमेंट सच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और मैं कह सकता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड पे एल्केमिस्ट लेवल पर रूल जरूर करोगे एक दिन। उन्हें पता था कि नेचुरल एनर्जी के बाद भी इस पिल को रिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियान इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा कर लेगा। तभी वान हुओ भी कहते हैं कि टीचर याओ चैन का डिसाइबल सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट है और जीनियस है। अगर मुझे पता होता तो मैं उस समय याओ वांगुई को बेहतरीन ढंग से समझाता और उसे इन दोनों का अपमान करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। उनकी बात को सुनकर याओ क्लेन के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि वो कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि जियान ने परफॉर्मेंस ही ऐसी की थी। हालांकि वो सभी लोग जियान की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी जियान क्लेन चीफ को ग्रीट करते हुए कहता है कि क्लेन चीफ याओ डैन, मैं जियान आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ। और इसके बाद जियान टीचर याओ लाओ की तरफ देखता है। तभी याओ डैन भी निराश होते हुए और थोड़ा सा उदास होते हुए कहते हैं कि जियान, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर वो टीचर याओ लाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि याओ लाओ, तुम हमारे क्लेन के सबसे जीनियस डिसाइबल हो, तुम उस क्लेन की टैबलेट के साथ जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उनकी बात को सुनकर टीचर की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि धन्यवाद क्लेन चीफ। आखिरकार ये उनकी ऐसी विश थी जो कि क्लेन को छोड़ने के बाद उनके साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और आखिरकार वो आज जाके पूरी हुई थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। हालांकि जियान की बात यहाँ पर ख़त्म हुई ही थी कि तभी हुन होजी भी ग्रीट करते हुए कहता है कि क्लेन चीफ, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। उसकी बात को सुनकर याओ डैन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि बताइए आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं। उनकी तरफ देखकर हुन जी ईवेल स्माइल देता है और फिर कहता है, मैं याओ क्लेन से टू सी प्राचीन भगवान की जेट को लेने आया हूँ। हुन हुजी की बात को सुनकर चारों तरफ हंगामा मच जाता है और याओ क्लेन के जो एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हो जाते हैं। टू सी प्राचीन जेट एक ऐसी चीज़ थी जो कि 8 एशियंट क्लेन्स के पास थी और ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते थे। यहाँ तक कि क्लेन के कुछ पावरफुल एल्डर्स को भी इसको देखना दुर्लभ हो जाता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता था कि क्लेन के एल्डर्स भी इसे देख पाएँ। याओ क्लेन के लिए इसे किसी और को दे देना ये तो कैसे पॉसिबल ही नहीं था। तभी जियान अचानक कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ गलत लग रहा है।
आखिरकार जियोयान को हुनक्लेन के साथ फाइट लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और जियोयान उनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था, तो जियोयान को फील हो गया था कि आखिरकार यहाँ पे कुछ तो गलत है। हुन हो जी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि ऐसे ही याओ क्लेन के ऊपर खड़ा होकर बेखौफ तरीके से कुछ भी बोलेगा। जियोयान तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर टीचर याओ लाओ की तरफ जाता है और उनसे कहता है, टीचर कृपया अलर्ट रहिएगा। अब तक टीचर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए थे क्योंकि वो समझ गए थे कि हुन जी आज थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्ट और बिहेव कर रहा है। एल्डर वान हुओ भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हुन हु जी को देख रहे थे। उन्हें बस क्लेन चीफ याओ देन के ऑर्डर का ही वेट था और अगर ऑर्डर मिलता है तो वे तुरंत ही उससे फाइट में लग जाएंगे। तभी याओ डैन भी कहते हैं कि हुन हु जी क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, जिस पे हुन हु जी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ क्लेन चीफ याओ दान, तूसी प्राचीन जेट कुछ ऐसा है जो कि हमेशा डिजास्टर्स लेके आता है। यदि आप अपने याओ क्लेन को सेफ रखना चाहते हैं और डिजास्टर से बचाना चाहते हैं तो इसकी सेफ्टी के लिए आप इसे मुझे सौंप सकते हैं। तभी याओ बान भी कहते हैं कि हुन हु जी तुमने जो कुछ भी कहा है इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ कर बंदी बनाऊँगा और जब तक तुम्हारे क्लेन के चीफ नहीं आते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और इसके बाद एल्डर बान हुओ तुरंत ही अपनी पावरफुल डुइकुई को चार्ज करते हैं, जिसके बाद चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और एक पावरफुल पाम जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था सीधा हुन हु जी की तरफ बढ़ने लगता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख कर हुन हु जी कहता है कि अब टाइम आ गया है। और इसके बाद उसकी आंखों से फ्लेम निकलने लगती है जो कि उसने पहले रोक दी थी। उस फ्लेम के निकलते ही उसकी पावर अचानक से कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगती है। हुन हु जी आसमान में खड़े होते ही तुरंत उनके अटैक पर अपना अटैक करता है, जिसके बाद उनका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और एल्डर बान हुओ पीछे की तरफ टूट हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजरीज भी आई होती हैं। साथ ही साथ उनके चेहरे पर खून के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। हुन हु जी स्माइल करते हुए कहता है कि अब खेल ख़त्म हुआ, मैंने वैसे भी आपके साथ काफ़ी खेल खेल लिया है। उसे कोई भी देख सकता था कि उसकी आंखों से ब्लैक कलर की फ्लेम निकल रही है और उसकी आभाया की ऑरा काफ़ी ज़्यादा है जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। सभी लोग एक साथ ही कहते हैं उसके ऑरे को फील करके कि एक 7 स्टार डूसेंग, ये तो एल्डर बान हुओ से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। इस साथी ने अपनी ताकत को हाइड करके रखा था। टीचर याओ लाओ भी जियोयान की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे ये मत कहना कि ये याओ क्लेन से प्राचीन तूसी जेट की पीस को छीनने का इरादा रखता है, क्योंकि वो भी अब काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे उसकी पावर को देखकर। जियोयान भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था क्योंकि उसने शुरुआत से ही उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाने में। तभी याओ डैन भी अपनी नेता की सीट से खड़े होते हैं और हुन हु जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, जल्दी से एक अलर्ट मैसेज को भेजो, हमने सी कबीले और लिंग क्लेन के अपराधी को ढूंढ लिया है, याओ क्लेन और लेई क्लेन को तुरंत ही सूचित करो। याओ डैन की बात सुनकर जियोयान अचानक से कांप जाता है और वही हुन जी की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में हुन क्लेन ने किया था। याओ क्लेन के एल्डर जो कि याओ डैन की बात को सुनकर अचानक से कांप उठते हैं और तुरंत एक स्क्रोल को निकालते हैं, जिसके बाद अचानक से स्पेस में फ्लक्चुएशन होने लगते हैं और एक स्पेस टनल क्रिएट होने लगती है। पर तभी अचानक से एक पावरफुल वेव आती है जिसके कारण वो स्पेस टनल तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। याओ क्लेन के एल्डर जब ये देखते हैं कि वो स्पेस टनल को क्रिएट कर ही नहीं पा रहे तो अचानक से डरते हुए एक सायरन को बजा देते हैं, जिसके बाद याओ क्लेन के सभी लोग चौंकते हुए तुरंत माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार याओ क्लेन में कोई खतरा आ गया है। वे सभी हुन हु जी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हुन हु जी आखिरकार तुमने क्या किया है। ये देखकर हुन जी भी स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये पूरा हो गया है। इसके बाद वो क्लेन के एल्डर्स की तरफ नज़र डालते हुए कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस आपके याओ क्लेन को मैंने सील कर दिया है। उनकी बात को सुनकर सभी लोग जो कि बाहर सेंट्रल प्लेन से इस सेरेमनी को देखने के लिए आए थे वो तुरंत ही अपनी अपनी स्क्रोल को निकाल कर फाड़ देते हैं। हालांकि नतीजा वही होता है कि स्पेस टनल क्रिएट नहीं हो पाती, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और समझ गए थे कि आखिरकार यहाँ पे अब कुछ बड़ा होने वाला है। जियोयान भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था क्योंकि उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि याओ क्लेन जो कि अपनी सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहा है हुन क्लेन उस टाइम पे उसे टारगेट करेगा। अब तक याओ डैन भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये स्टोरेज रिंग कुछ ऐसी थी जो कि
जेट के पीस की तरह काम करती थी और तुरंत ही लोकेशन और प्रॉब्लम का पता चल जाता था दूसरे आदमियों को। उन्होंने ट्राई किया था कि लेई क्लेन और यान क्लेन को वो कोई मैसेज दे सके। तभी हुन हुजी भी स्माइल करते हुए कहता है कि चीफ याओदान, आपको बेकार में एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। हालांकि याओदान उसकी बात को बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का फ्लैक्चुएशन तो हुआ था, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकल पाया। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। याओदान हुनजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, हुन हुजी, मेरे याओ क्लेन ने यान क्लेन और लेई क्लेन के साथ पहले ही स्पेस टनल को क्रिएट कर लिया है। अगर उन्हें पता चला कि स्पेस टनल गायब हो गई है तो वो लोग तुरंत ही यहाँ पे आएंगे, और जैसे ही गु क्लेन को ये पता चलेगा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और अगर हम चारों क्लेन एक साथ मिलकर हाथ मिला लेते हैं तो तुम्हारे हुन क्लेन को डिस्ट्रॉय करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जिस पे हुन हुजी स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा हुन क्लेन गु क्लेन को पता लगाए बिना लिंक क्लेन और सी क्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हम ऐसा आपके साथ भी कर ही सकते हैं। उसकी बात को सुनकर याओदान तुरंत ही हवा में उड़ते हैं और कहते हैं, इस बार ये सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। और इसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज कर देते हैं जो कि 7 स्टार डूसेंग लेवल के वॉरियर की होती है। तभी काफी सारे लोग खड़े होकर कहते हैं कि एल्डर हुन हुजी, यह आपके हुन क्लेन और याओ क्लेन के बीच का मैटर है, इसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम पर दया दिखाएं और हमें यहाँ से जाने दें। फ्यूचर में हम आपको इसके लिए पे जरूर करेंगे। ये सभी अलग अलग सेक्ट के डिसाइबल्स और एल्डर्स होते हैं जो कि यहाँ पे मेडिसिनल सेरेमनी को देखने के लिए आए थे। उनकी बात को सुनकर हुन हुजी भी कहता है कि ठीक है, जो लोग याओ क्लेन से नहीं है उनका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, आप सब जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए बढ़ जाते हैं और अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे जियो यान भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था जब उसने ये सब देखा। तभी उसे आसमान में अचानक से एक ब्लैक कलर की फ्लेम दिखाई दे रही है कि जो धीरे धीरे सभी के सामने अपेयर हो रही थी, और उसके आते ही सभी जगह अंधेरा छा गया था। ये देखकर जियो यान कहता है, ये तो सच में निहलेट डिवोरिंग फ्लेम है। जब जियो यान उसे फील कर रहा था तो साथ ही साथ लिटिल ली भी उसके बॉडी के अंदर अपनी आंखों को खोलता है। अब तक उसका छोटा सा मासूम सा फेस भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। सिंपल सी बात है, उसने भी फील कर लिया था कि इस बार का खतरा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हुन हुजी भी आसमान में खड़ा हुआ था और उसी के पीछे नीले डिवोरिंग फ्लेम भी एक ह्यूमन की शेप लेकर पीछे खड़ी हो जाती है। हालांकि इसका कोई फेस नहीं था, फिर भी वो स्माइल करते हुए कहती है कि याओ डैन, मुझे ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपका याओ क्लेन अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। वहाँ पर बैठे सभी एल्डर्स ये फील कर सकते थे कि उनके अंदर की जो डुइकुई है वो धीरे धीरे कोई ऑब्जॉर्व कर रहा है। तभी जो यान वहाँ पे सभी से कहता है कि आप सब अलर्ट रहिए, यहाँ पे हर तरफ नीले डिवोरिंग फ्लेम फैली हुई है जो कि आपकी डुइकुई को ऑब्जॉर्व कर सकती है। और इसके बाद जियो यान तुरंत ही अपने टीचर यावलाओ को पकड़ता है और एक पिंक कलर की फ्लेम तुरंत ही एक बैरियर को क्रिएट करके उन्हें सेव कर लेती है। टीचर यावलाओ तुरंत ही कहते हैं कि इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि हुन क्लेन किसी को भी जिंदा छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। जियो यान भी अपने टीचर की तरफ देखते हुए कहता है कि टीचर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हुन क्लेन ने किसी को भी स्काई मैंसन अलायंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं भेजा था। मुझे लग रहा है कि वो कू क्लेन से अलर्ट होकर याओ क्लेन पर अटैक करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को क्रिएट कर रहे थे। अब तक जियोयान को यह भी समझ में आ गया था कि ऐसा नहीं था कि हुन क्लेन उसे मार नहीं सकता था, उसके बजाय उसके पास और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि सभी क्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर कर उनसे तूसी प्राचीन जेट को लेना, जियोयान को मारने और याओ क्लेन को डिस्ट्रॉय करने के मामले में हुन क्लेन स्वाभाविक रूप से याओ क्लेन को ही चुनेगा, क्योंकि जियो यान स्ट्रांग हो सकता है लेकिन उसे अभी भी वो उस लेवल तक पहुंचना है जहां पे वो याओ क्लेन के बराबर पावरफुल हो सके। टीचर यावलाओ तुरंत जियो यान की तरफ देखकर क्या कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पे जियो यान कहता है कि हम बस इतना कर सकते हैं कि कुछ देर तक वेट करके चीज़ों को देखें, अगर हुन क्लेन अटैक करता है तो वास्तव में याओ क्लेन भी कोई ना कोई जवाबी कार्यवाही जरूर करेगा, उस टाइम पे हम बचने का कोई रास्ता खोज लेंगे। क्योंकि जियो यान के पास भी याओ क्लेन को बचाने का कोई भी अब उपाय नहीं था। प्रेजेंट टाइम पे वो जो कुछ भी कर सकते थे वो था यहाँ से निकलना। जियो यान की बात से याओ लाओ भी तुरंत ही एग्री हो जाते हैं, हालांकि वो याओ क्लेन के मेंबर थे।
लेकिन अब तक उन्होंने याओ क्लेन से काफ़ी दूरियां रखी थी, जिसके कारण उनके अंदर जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसीलिए वो याओ क्लेन के मैटर में जियो यान को तो बिल्कुल भी नहीं घसीटेंगे, क्योंकि उनके दिल में जियो यान याओ क्लेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। याओ डैन जो कि हवा में थे, वो उस ब्लैक फ्लेम को देख सकते थे जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा था। उसे फील करके वो तुरंत ही कहते हैं कि याओ क्लेन के सभी मेंबर्स सुनो, हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। याओ डैन को पता था कि आज का दिन डिसाइड करेगा कि याओ क्लेन फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। याओ डैन की बात को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है और एशियन टाइम पे भी इसे सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट किया गया था। और अगर इसे आज एक्टिवेट किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि सभी लोग समझ सकते थे कि याओ क्लेन में इस बार काफ़ी बड़ा खतरा आया था। सभी एल्डर्स तुरंत ही आसमान में आ जाते हैं और उसके अंदर से एनर्जी पिलर्स निकलने लगते हैं जो कि एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे। अब तक सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी सूख चुके थे जो कि उस माउंटेन रेंज में थे, और उनसे जो भी नेचुरल एनर्जी थी वो सभी उस फॉर्मेशन के अंदर अब्जॉर्ब होती जा रही थी। जैसे जैसे वो फॉर्मेशन क्रिएट होती जा रही थी, सभी लोग देख सकते थे कि अचानक एनर्जी का फ्लैक्चुएसन काफ़ी ज़्यादा हो गया और साथ ही साथ चारों तरफ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि इस फॉर्मेशन के अंदर की पावर कितनी ज़्यादा होगी। तभी जियोयान भी टीचर से कहता है कि टीचर कितना खतरनाक प्रेशर है। जियोयान समझ गया था कि इस प्रेशर और इस पावर की तुलना 8 स्टार डूसेंग लेवल के बॉरियर से भी नहीं की जा सकती है। याओ क्लेन का फाउंडेशन सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी टीचर याओ लाओ भी बताते हैं कि यह याओ क्लेन का डिफेंस फॉर्मेशन है, इसे कभी भी यूज नहीं किया गया था पर इसे आज यूज किया जा रहा है। इसका मतलब है आने वाला खतरा सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाला है। वो जियोयान को बताते हैं कि इस फॉर्मेशन को याओ क्लेन के एक एल्डर ने क्रिएट किया था जो कि 2D लेवल पर पहुंच चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने सोल के एक क्लस्टर को भी यहाँ पे छोड़ दिया था। अगर ये पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और हुन क्लेन को रोकने में कैपेबल भी होंगे। तभी हुन हुजी भी कहता है कि क्या ये याओ क्लेन का जो डिफेंस फॉर्मेशन है ये लिंक क्लेन और सी क्लेन से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो भी इससे निकलने वाले पावरफुल ऑरे को फील कर सकता था। वो तुरंत ही पीछे घूमता है और निहिल डिवोरिंग फ्लेम को ग्रीट करते हुए कहता है कि सर, इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए शायद आपको ही इंटरफेयर करना पड़ेगा। हुन हुजी के रिस्पेक्टेड तरीके से बिहेव करने के बाद कोई भी देख सकता था कि उसके पीछे की ब्लैक कलर की फ्लेम की फिगर धीरे धीरे आगे को बढ़ती है। वो फ्लेम फिगर जो कि नील डिवोरिंग फ्लेम थी, तुरंत ही उस फॉर्मेशन के पास चली जाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल ब्लैक होल की तरह लग रही थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिवोरिंग पावर भी रिलीज हो रही थी। उस फिगर को देखकर जियोयान तुरंत ही कहता है कि नील डिवोरिंग फ्लेम, क्योंकि जियोयान के अंदर की हेवेली फ्लेम उसे पहचानने में कैपेबल थी। साथ ही साथ जियोयान यह भी समझ गया था कि यही नील डिवोरिंग फ्लेम की असली फिगर है। जियोयान की बात को सुनकर टीचर याओ लाओ कहते हैं कि क्या नील डिवोरिंग फ्लेम भी फ्लेम सोल बन चुकी है। तभी जियोयान भी कहता है कि कितनी पावरफुल प्रेजेंस है ये, इसकी पावर तो याओ डैन से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। जियोयान अब तक ये तो समझ ही गया था कि जो नील डिवोरिंग फ्लेम है ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी, इसीलिए इसकी पावर इतनी ज़्यादा थी। नील डिवोरिंग फ्लेम उस फॉर्मेशन को देखती है और फिर तुरंत ही अपने आप को आग के गोलों में चेंज करके तुरंत ही उस फॉर्मेशन पर सूट हो जाती है। याओ क्लेन के सभी एल्डर्स ये फील कर सकते थे कि इस फ्लेम के अटैक के कारण उनकी फॉर्मेशन धीरे धीरे वीक होती जा रही है। तभी हुन हुजी भी कहता है कि याओ क्लेन के मेंबर्स, अगर आप लोग सरेंडर कर देते हैं तो आप अभी भी जीवित रहेंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। उस वॉइस को सुनकर याओ डैन भी कहते हैं कि मेरे याओ क्लेन को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होगा। अब तक याओ डैन भी काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे और वो तुरंत ही एक इशारे में काफ़ी सारे एनर्जी पिलर्स को उस फॉर्मेशन पे सूट कर देते हैं। जियोयान ये देख सकता था कि उन एनर्जी पिलर पे काफ़ी सारी मेडिसिनल पिल्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नेचुरल एनर्जी भी है। वो बस यही सोच रहा था कि अब याओ क्लेन ने अपना सब कुछ ही लगा दिया है। अब तक याओ डैन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे और वो तुरंत ही कहते हैं, थाउजेंड ऑफ पिल फॉर्मिंग द स्काई फाउंडिंग एंसेस्टर्स रिटर्न, मतलब ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन थी जिसके बाद वो अपने एंसेस्टर को
फिर से बुला रहे थे गोलियों के बदले। उनके इतना कहने के बाद सभी लोग देख सकते थे कि काफ़ी सारी पिल्स तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती हैं और नेचुरल एनर्जी में चेंज हो जाती हैं। यावडन तुरंत ही फॉर्मेशन को चेंज करके कहते हैं एंसेस्टर रिटर्न, पूर्वज की वापसी। उनके इतना कहने के बाद अचानक से उस फॉर्मेशन में तेजी से एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है और एक पावरफुल ऑरा सभी तरफ फैलने लगता है। सभी कोई देख सकते थे कि उस फॉर्मेशन से धीरे धीरे एक ह्यूमन फिगर निकल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा भ्रामक दिखाई दे रही थी, मतलब कि अच्छी तरीके से विजिबल नहीं थी। या यूक्रेन के सभी मेंबर्स फील कर सकते थे कि उनकी आत्मा काफ़ी बुरी तरीके से कांपने लगी है, क्योंकि आखिरकार ये उनके एंसेस्टर थे और ब्लड लाइन के कारण उन्हें ये प्रेशर फील हो रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं पूर्वज। या यूक्रेन के कुछ एल्डर्स तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। आखिरकार ये उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। तभी जियान भी कहता है कि क्या यही वो डूडी हैं जिन्होंने या यूक्रेन को स्टेबल किया था। जियान की स्पिरिचुअल पावर अभी तक एडवांस हेवनली स्टेज पर पहुंच गई थी, फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था, जबकि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक सोल का क्लस्टर ही तो था। जियान बस यही सोच रहा था कि अगर वो सच में डूडी लेवल पर होते तो अब तक क्या होता। हालांकि टीचर यावलाओ का भी वही हाल था जो कि यावक्लेन के बाकी एंसेस्टर्स का था। टीचर यावलाओ की बॉडी भी काफ़ी बुरी तरीके से कांप रही थी और वो अपने दिल में एक रिस्पेक्ट को फील कर सकते थे। अब तक हुनहोजी भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था जब उसने देखा कि एक एल्यूजनरी फिगर अचानक से उनके सामने आ गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो उसे समझ में आ गया था कि यावक्लेन से निपटना लिंकलेन और सीक्लेन के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कितना ही विफाइट क्यों ना कर ले, लास्ट रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं था। तभी हुनजी के पीछे खड़ी वो सोल सॉरी नील डिवोरिंग फ्लेम तुरंत कहती है याओदी, और इसके बाद वो उसी को देख रही थी। उसे कुछ फील तो हो रहा था लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी हमें यावडेन की वॉइस सुनाई देती है जो कि कहते हैं एंसेस्टर, हमारे यावक्लेन को आपकी ज़रूरत है, कृपया इसे अपना आशीर्वाद दें। उसकी बात को सुनकर एंसेस्टर तुरंत ही उस बात को दोहराते हैं। यावक्लेन हालांकि काफ़ी लॉन्ग टाइम पे रहने के कारण उनकी यादें धुंधली हो गई थी, फिर भी उन्हें अभी तक कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से याद थी। आखिरकार उन्होंने ही तो यावक्लेन को स्टेबल किया था। वो एल्यूजनरी सोल तुरंत ही कहती है कि क्या इस हद तक की गिरावट आ गई है मेरे यावक्लेन पे। उनकी बात को सुनकर यावडेन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं बोलते, ना ही कोई बहाना बनाते हैं। हालांकि उसे एल्यूजनरी बॉडी ने यावक्लेन के किसी भी मेंबर से बात नहीं की, बल्कि वो नीले डिवोरिंग फ्लेम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप नीले डिवोरिंग फ्लेम है ना। इसके बाद वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और उनके अटैक के साथ ही आग के गोलों की बारिश तुरंत ही रुक जाती है। तभी नीले डिवोरिंग फ्लेम भी स्माइल करते हुए कहती है कि याओदी, तुम्हें पूरी बातें भी अच्छी तरीके से याद नहीं है, ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी सोल है। तुम तो एक कठपुतली के जैसे हो, लेकिन मैं तुम्हारी सोल को अगर कैप्चर कर लेती हूँ तो 100,000 सोल को पकड़ने के बराबर होगा। और इसके बाद वो स्माइल करते हुए एल्यूजनरी सोल बॉडी को देख रही थी जो कि अभी अभी अपेयर हुई थी। उसके लहजे में ना तो डर था और ना ही रिस्पेक्ट थी। इसके बाद नीले डिवोरिंग फ्लेम तुरंत ही एक फिंगर अटैक को चार्ज करती है जो कि सीधा उसी फॉर्मेशन की तरफ चार्ज होने लगता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर भी था। हालांकि ये खतरनाक अटैक उस फॉर्मेशन से टकरा पाता कि तभी एक अटैक को चार्ज करते हैं जो कि एक मेडिसिनल कड़ाही की तरह दिखाई देता था, और उसमें काफ़ी सारी मिस्टीरियस लाइनें भी दिखाई दे रही थी जो कि उसे ऐसा दिखा रही थी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल हो। जैसे ही वो दोनों अटैक टकराते हैं तो नीले डिवोरिंग फ्लेम का अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि याओदे की उस अटैक की पावर भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है और उनकी सोल भी थोड़ा थोड़ा पीली पड़ चुकी थी। जाहिर है कि उन्हें इस अटैक को करने में काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज करना पड़ा था और वो अभी सिर्फ एक सोल का टुकड़ा ही थे। तभी नीले डिवोरिंग फ्लेम नाराजगी से कहती है, एक सोल का पीस आखिरकार मुझे रोकने की हिम्मत कर सकता है। और इसके बाद नीले डिवोरिंग फ्लेम तुरंत ही उस कड़ाही पे एक और अटैक करती है। कंटिन्यू अटैक के कारण उस कड़ाही में भी अब तक काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आने लगे थे। ये देखकर याओदी कहता है कि यावक्लेन के सभी मेंबर तुरंत अपनी डुईकुई को उस फॉर्मेशन पे डालो। उनकी बात को सुनकर यावक्लेन के सभी लोग अपनी अपनी डुईकुई पावर को उस फॉर्मेशन में डालने लगते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो कड़ाही फिर से वापस पावरफुल हो जाती है। और अब तक वो कड़ाही उस फॉर्मेशन के बाहर निकल कर नीले डिवोरिंग फ्लेम की तरफ बढ़ने लगती है,
यह देखकर हुन होजी तुरंत ही नीले डिवोरिंग फ्लेम के पीछे छिप जाता है। नीले डिवोरिंग फ्लेम कहती है कि आपके पास याओ क्लेन की पावर है तो मैं भी, और इसके बाद वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है, जिसके बाद उस जगह पर तुरंत ही कोहरा छा जाता है और पूरा क्षेत्र कांपने लगता है। तभी जियोन कहता है कि ये तो याओ क्लेन के मेंबर्स हैं। अब तक जियोन काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसने देखा था कि नीले डिबोरिंग फ्लेम ने अपने एक ही अटैक में याओ क्लेन के सभी मेंबर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन्हें पूरी तरीके से राख में बदल दिया था। जिस पे जियोन काफी ज्यादा नाराजगी से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है कि क्या क्रुएल्टी है, इसने उन मेंबर्स को भी जाने नहीं दिया। ये सब देखकर याओडेन भी कहते हैं कि हुन क्लेन मेरा और मेरे क्लेन का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हालांकि नीले डिबोरिंग फ्लेम उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और उस फॉर्मेशन से ब्लड को इकट्ठा करके, जो कि याओ क्लेन के मेंबर्स का होता है, एक अटैक को क्रिएट करती है और सीधा ही याओदी के ऊपर अटैक कर देती है। वो अटैक धीरे से आगे बढ़ता है और अचानक से आसमान में फट जाता है, जिसके बाद काफ़ी बड़ा एनर्जी का फ्लैक्चुएसन होता है और नीले डिबोरिंग फ्लेम उसे तुरंत ही ऑब्जॉर्ब कर लेती है। बची हुई पावर सीधे ही उस फॉर्मेशन पे अटैक करती है, जिसके बाद गठन या कि उस फॉर्मेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएसन होने लगते हैं, जो देखकर वो कहते हैं कि ये फॉर्मेशन टूटने वाला है। याओ क्लेन के किसी भी मेंबर को भरोसा नहीं हो रहा था कि पूरी क्लेन की पावर से बना हुआ ये अटैक फॉर्मेशन इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी वो एल्यूजनरी बूढ़ी सोल कहती है कि इस डिजास्टर से बचा नहीं जा सकता है, और इसके बाद याओदी की सोल, जो कि उस फॉर्मेशन से निकल गई थी, तुरंत ही एक लाइट की रेज में चेंज होती है और सीधा नीले डिवोरिंग फ्लेम पे अटैक कर देती है। उसको अपनी तरफ आता देख कर नीले डिवोरिंग फ्लेम भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो गुस्से से कहती है कि ओ बूढ़े साथी, अब तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को चकनाचूर करने के लिए उस सोल को रिलीज कर देती है। हालांकि अभी ये अटैक हुआ ही था कि तभी अचानक से याओ क्लेन के सभी लोग फील कर सकते थे कि अचानक से उनके खून से या कि ब्लड लाइन से कुछ गायब हो गया है, जिसके बाद सभी की आंखें लाल हो जाती हैं और याओडेन उस तरफ देखते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, और फिर वो तेजी से चिल्लाता है एंसेस्टर, उसे विश्वास नहीं था कि ये इस तरीके से ख़त्म होगा। याओ क्लेन के सभी मेंबर्स के सामने अचानक से वो फॉर्मेशन भी तुरंत ही फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट एपिसोड को मॉर्निंग पे एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ है, क्योंकि फाइट को मैं नेक्स्ट के चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। हालांकि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है बट इंटरेस्टिंग है, आप सभी को मज़ा आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना तो हक बनता है आपका। और ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो आई थिंक कि आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। ये 28 मिनट का हो गया, पिछला वाला 27 मिनट का था और उससे पहले वाला 22 मिनट का था। आई थिंक 75 to 80 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।